जय जय माता दी मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पे। मित्रों, आज मैं आपको अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति का जहाँ तक आपको पहुँच पाना मुश्किल हो रहा है, अर्थात जिनसे आपका प्रतिदिन मिलना जुलना संभव नहीं हो पाता, लेकिन आप उससे बेपनाह प्यार करते हैं और उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाते। कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे बहुत दूर रहते हैं या रहती है, लेकिन हम सिर्फ इसी कारण से उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाते, तो तरह तरह के उपाय सोचते हैं कि किस तरह से उसे अपने पास लाएं। तो आज मैं आपको बहुत ही गुप्त और बहुत ही दुर्लभ वशीकरण मंत्र बताऊंगा। यह मंत्र अत्यंत सिद्ध है, माँ कामरू कामाख्या के अति प्राचीन मंदिरों का सिद्ध वशीकरण मंत्र है। यह आपको सिद्धों से ही मिल सकता है, तो इसका प्रयोग करना है उस व्यक्ति के लिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब जिसके लिए आप करेंगे उस समय आपको पूरी तरह से श्रद्धा भाव होकर इस मंत्र के ऊपर प्रयोग करना है। और याद रखिएगा, यह मंत्र सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया जा सकता है, बार बार और एक से अधिक बार एक से अधिक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते। मित्रों, कुछ दुर्लभ चीजें ऐसी होती है जिनका आप सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं और यह एक ही बार में ही और एक ही के लिए अचूक रहता है। जी हाँ, यह बहुत ही गुप्त है। तो इसकी विधि क्या है, इसे ध्यान से समझिए। इस विधि को आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में शुरू करना है। शुभ मुहूर्त अर्थात होली, दीपावली, नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा या फिर किसी भी अति शुभ लगन में। अगर इसमें से कोई भी स्थिति आपके सामने नहीं हो तो इस विधि को शनिवार से प्रारंभ कीजिए। शनिवार से लेकर निरंतर अगले शनिवार तक या फिर 7 दिनों तक निरंतर करनी है आपको, ध्यान रखिएगा। और आखिरी दिन इसका समापन रहेगा। तो इस विधि को करना क्या है, किसी भी तरह से उस व्यक्ति का एक फोटो लीजिए, चाहे मोबाइल से ले किसी भी तरह से, और उसका एक प्रिंट निकलवाइए, फोटो को रख कर सामने। इस मंत्र को प्रतिदिन रुद्राक्ष माला से जाप करना है 108 अर्थात एक माला। और मंत्र जाप की विधि जो रहेगी आपको सूर्य उदय से पहले ही रहेगी, सुबह 5 से 6 के बीच में ही इस विधि को करना है। जब विधि को करेंगे तो जिसे भी आप मानते हैं कुलदेव कुलदेवी देवता को, उसे पहले स्मरण करके आशीर्वाद लीजिए, फिर उस व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। मंत्र इस प्रकार है, उसे पहले ध्यान से सुनिए फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ओम क्लीम सिद्ध सिद्धेश्वरी अमुकिमम वश्यम सिद्धिम कुरुम फट स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम क्लीम सिद्ध सिद्धेश्वरी अमुकिमम वश्यम सिद्धिम कुरुम फट स्वाहा। जहाँ पे अमुकी है वहीं पे उसका नाम लेना है। इस विधि को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। जी हाँ, और उसके बाद इस मंत्र की शक्ति का चमत्कार और प्रयोग का जो परिणाम है वह खुद आप इन समय के दौरान देख सकते हैं। जो आखिरी के दिन रहेगा 8वां दिन, उस दिन आपको जब मंत्र समापन कर लेंगे तब किसी भी व्यक्ति को, आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो ही जाएगी, किसी भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत अपनी स्वेच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा इस निमित्त होकर जरूर कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।